हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिस्टर टीचिंग। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिफरेंट कार सेंसर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड देयर फंक्शन पार्ट टू की। यदि आपको पार्ट वन देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रोटल पोजीशन सेंसर। फ्रेंड्स, थ्रोटल पोजीशन सेंसर ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन यानी EFI और फीडबैक कार्बोरेशन के साथ यूज किया जाता है। इस सेंसर का काम होता है कि जो थ्रोटल ओपनिंग रेट है और रिलेटिव थ्रोटल है, उसकी ओपनिंग पोजीशन होती है, उसका सिग्नल कंप्यूटर को भेजना। ये सेंसर बताता है कि जो थ्रोटल है वो कितना ओपन है, जैसे कि सेमी ओपन है या फुली ओपन है एक्सेट्रा। ये सिग्नल कंप्यूटर को भेजना थ्रोटल पोजीशन सेंसर का काम होता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर एक वेरिएबल रजिस्टर बेस्ड सेंसर होता है। ये सेंसर रजिस्टेंस को चेंज करता है जब थ्रोटल ओपन होता है। अब बात करते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर की। फ्रेंड्स, व्हीकल स्पीड सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। ये एक तरह का टैकोमीटर होता है और यह व्हीकल के फ्यूल को डिटरमिनेट करता है। तो जो हमें व्हीकल की स्पीड दिखाई देती है वो व्हीकल स्पीड सेंसर के द्वारा भेजी गई सिग्नल या इंफॉर्मेशन के कारण ही दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन सेंसर और फेस डिटेक्टर सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर ऑटोमोबाइल में कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा यूज किया जाता है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर इंजन में जो सिलेंडर होते हैं उसकी जो पोजीशन होती है वो क्या है, जैसे उस टाइम सिलेंडर में कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, जैसे इंटेक स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, जो स्ट्रोक हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन सिग्नल को कंट्रोल मॉड्यूल को सेंड करना होता है। अब कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो भी सिग्नल या इंफॉर्मेशन कंट्रोल मॉड्यूल को देता है उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है वो सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट करता है। काम होता है हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का। सिंपल शब्दों में कहें तो इंजन सिलेंडर में जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा होता है वो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो सिग्नल इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को देता है उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट सेंसर है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। फ्रेंड्स, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इंटरनल कम्बशन इंजन में यूज किया जाता है। ये सेंसर क्रैंकशाफ्ट की रोटेशनल स्पीड और पोजीशन को मॉनिटर करता है और ये इंफॉर्मेशन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा इंजन में फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन सिस्टम को एंड अदर इंजन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर सभी इंजन में अलग अलग लोकेशन पर लगा होता है, जैसे कुछ इंजन में ये क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट होता है और कुछ इंजन में ये फ्लाईव्हील के साथ, तो कुछ इंजन में ये इंजन ब्लॉक में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट सेंसर है एयर फ्यूल रेशियो सेंसर। एक एयर फ्यूल रेशियो सेंसर इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस में वाइडर रेंज में ऑक्सीजन कंटेंट को मेजर करता है। एयर फ्यूल रेशियो सेंसर को हम लैम्डा सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर मेनली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट पाइप के फ्रंट में लोकेट होता है बिफोर कैटालिटिक कन्वर्टर। इस सेंसर का मेन काम एग्जॉस्ट गैस में से ऑक्सीजन कंटेंट को मेजर करके ये इन्फॉर्मेशन इंजन कंप्यूटर को सेंड करनी होती है। इंजन कंप्यूटर एयर फ्यूल रेशियो सेंसर के सिग्नल के अकॉर्डिंग एयर फ्यूल रेशियो को एडजस्ट करता है ताकि इंजन में एयर फ्यूल रेशियो अपने ऑप्टिमल लेवल पर रहे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।